कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आप सभी लोगों का। और ये देखिए, ये संडे का है क्लिप। तो क्या है ना कि ये मेरी बेटी का ना बाल बहुत झड़ रहा था और बहुत डैंड्रफ भी थे, तो ये मैं बना रही हूँ उसके बाल के लिए। ये बालों के लिए सोचे एक तरह से तो रामबाण है, क्योंकि ये अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। कोई मेडिसिन अगर आप लेंगे तो वो आपको मीन्स कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो देता ही है मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन खाए तो बाल झड़ना भी कंट्रोल हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये है एलोवेरा और ये नारियल तेल। नारियल तेल थोड़ा जमा हुआ है, मीन्स धूप में रखना मैं भूल गई थी, तो इसलिए ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। और इसको ना मीन्स अगर 2 चम्मच बड़े वाले चम्मच से नारियल तेल है तो 1 चम्मच एलोवेरा, मीन्स आधा 1 का फ़र्क होता है इसमें। 1 चम्मच अगर कोई चीज़ ले तो आधा चम्मच, और 1 चम्मच अगर कोई नारियल तेल लेना है तो आधा चम्मच एलोवेरा जेल रहेगा। तो ये आप एलोवेरा जेल कोई भी ताज़ा भी अपने घर का भी निकाल के यूज कर सकते हैं। और इसको खूब अच्छे से मिक्स करके और इसके जड़ों में लगाना है, और पूरे बाल में फिर जो बचेगा उसको लगा लेना है। सच मानिए, एकदम यूज किया हुआ ये ट्रिक है, और ये आपको नुकसान तो करने से रहा लेकिन ना फ़ायदा तो गारंटी है मेरी, करेगा ही करेगा। क्योंकि इसको हम सभी लोग लगा लेते हैं, मैं भी लगाती हूँ, बेटी को भी लगाती हूँ, हस्बैंड को भी लगाती हूँ, और मेरे बेटे को भी लगा लेते हैं। इससे बाल भी बहुत सिल्की मुलायम सॉफ्ट सा होता है, कोई कंडीशनर की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इसको यूज ज़रूर करें मेरे कहने पर, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मेरे कमेंट सेक्शन में आके। क्योंकि अगर ये किसी 10 लोग को भी ये फ़ायदा कर दिया ना, तो मुझे लगता है मेरा शेयर किया हुआ मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा मुझे। क्योंकि बालों की समस्या इस समय बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इसको ज़्यादा देर लगा के नहीं छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं 2-4 घंटे चाहिए। आप नहाने से 1 घंटे पहले बस इसको बालों में लगाइए, और फिर शैम्पू करके जो नॉर्मल शैम्पू आप करते हैं वो करके नहा लीजिए। और ये गजब, मतलब एकदम आप जो सोच नहीं सकते हैं वो रिजल्ट आपको देगा, पहली बार में ही दे देगा। जिसका बहुत हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए भी बता रही हूँ मैं तो। और ये मैं अब आ गई हूँ किचन में, मीन्स ऊपर बेटे को तो लगाई हूँ तेल वगैरह, बेटे को लगाई हूँ, मैं भी अपना लगाई हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं नीचे किचन में, क्योंकि नीचे भी अब काम था खाना वाना बनाने का। तो आप लोग देख ही रहे हैं, साग सब्जी सब रखा हुआ है, तो अब बनाना है ये सब खाने में। और उधर दाल में बैठाई हूँ, और ये चावल और आटे का जो डब्बा है ना वो धो के मैं रखी थी, अब सूख गया है, रात को ही रख दी थी धो के, तो सूख गया है काफ़ी अच्छे से। तो अब ये चावल मैं इसमें भर दूँगी, और आटा तो रात ही को भर दी थी, क्योंकि आटे का जरूरत तो रात को पड़ता है, चावल नहीं बनाई थी तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर मैं सूखने दी कि बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए, तो इसलिए चावल भर रही हूँ इसमें। और 5 किलो भरती हूँ मैं चावल इसमें डालती हूँ, क्योंकि 5 किलो ही हम लोग का, मेरे ख्याल से 4 ही लोग हैं खाने को, तो 15 दिन तो चले जाते हैं, 10 दिन 15 दिन 13-15 दिन तो चल जाते हैं, तो इसलिए। और ये देखिए ना, मीन्स नापने वाला मेरा चावल, तो उससे 2 कच्ची में बनाती हूँ, तो हम लोग हो जाता है 4 लोग को बहुत अच्छे से। और ये दाल चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी, मूली का रायता, यही सब बनाऊँगी मैं। और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मैं हर अपने वीडियो में बोलती हूँ। हर कोई अगर यूट्यूबर मेरा वीडियो देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करिए, क्योंकि अभी मैं नई हूँ, मुझे भी नई जानकारी है इतनी, तो मेरे से गलतियाँ भी होंगी, अगर वो भी आप बताएं हमको तो भी मतलब कुछ मैं अपना उसका निवारण करूँ या उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। अब आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। आप तो कुछ अच्छा बुरा कुछ तो कमेंट्स करें कि कैसा लगा मेरा वीडियो, मीन्स जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि बड़ी मतलब दुख होता है मुझे, अच्छा नहीं लगता है। मैं रोज़ अपने वीडियो पे 10 बार जाके देखती हूँ कि कोई कमेंट्स आया कि नहीं, या कोई लाइक शेयर किया कि नहीं। तो प्लीज़ करिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ऐसे ऐसे चैनलों को आप लोग लाइक करते हैं, कितने कितने
और मिलियन उसका व्यूज होता है, फिर मेरे चैनल में ऐसा क्या कमी है? और कमी है तो आप बताएंगे, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो प्लीज़ बताइए। बड़ी उम्मीदों से आई हूँ मैं यूट्यूब पे, मीन्स सब लोग उम्मीद से ही आते होंगे, आई नो, क्योंकि सबको ही तो कोई ना कोई कोई शौक से आता होगा, शौक से भी कोई आता है ना तो उसको भी उम्मीद होता है कि मेरा चैनल सक्सेस हो। किसी को मीन्स नाम का होता है, किसी को ज़रूरत होता है पैसे का, मुझे दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझे दोनों चीज़ अच्छे लगते हैं, नाम भी और पैसा भी। और घर में एक गृहिणी के लिए बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो हाउस वाइफ हैं जिनके बच्चे हैं वो कहीं बाहर जाके तो कर नहीं सकते हैं कुछ काम, जॉब नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग करते होंगे, मैं नहीं कर सकती हूँ इसलिए। और मैं बहुत छोटे से जगह पर रहती हूँ, कस्बे में, तो यहाँ पे कुछ ऐसी तो, और मैं इतनी, मतलब मेरा कोई ग्रेजुएशन भी इतना कोई हाई फाई नहीं है कि मैं कर सकूँ, तो इसलिए एक से एक पढ़े लिखे लोग अभी तो नौकरी की तलाश में, फिर मुझे कहाँ ही कोई जॉब मिलेगा। और मैं निकल भी नहीं सकती, मुझे अलाउ भी नहीं है घर से, ऐसा कोई मैं जॉब पे जाऊँ और करूँ, और यहाँ पे कोई ऐसा फैसिलिटी भी नहीं है। तो बस ये यूट्यूब पे मैं देखी, मुझे बहुत ही ये अच्छा लगा, कारगर भी लगा। और जो औरतें इतने कामयाब हो गई हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के, सच्ची बता रही हूँ मैं। और वो, मैं इंस्पायर होती हूँ उनसे, और इसलिए मैंने ये अपना चैनल खोला है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है मेरे चैनल में, कुछ तो कमी है जो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कोई कमेंट्स तक नहीं करते हैं। तो मुझे लगता तो है कुछ कमी है, लेकिन क्या है ना, अपनी कमी खुद को तो नहीं दिखती ना। मेरा तो सब कुछ तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना, तो क्योंकि मैं बनाई हूँ ना ये तो वीडियो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ही बताएंगे कि मीन्स कमी क्या है इसमें, कहाँ है कमी, तो मैं कुछ उसमें सुधार करूँगी। मैं कैसे ऐसे जानूँगी कि आप लोग क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, और मैं क्या इसमें गलती कर रही हूँ? तो इसलिए थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए। और ये मैं खाना बना रही हूँ, मैं सुबह में चाय नाश्ता तो हम लोग का हो गया था, जब भी बेटी को तेल लगाई ना उसके पहले ही चाय नाश्ता हम, मैं और मेरे हस्बैंड तो कर लेते हैं। बेटा और बेटी थोड़ा लेट में उठते हैं छुट्टी के दिन, क्योंकि ऐसे तो रोज़ भोर में ही उठ जाते हैं 5 बजे, उनके 6:30 बजे बस आ जाती है, तो 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाते हैं बेचारे। और स्कूल का बस आ जाता है 6:30 बजे, फिर संडे के दिन बोलना अलाउ नहीं है किसी की तरफ से, और जगाओ भी तो सब लोग घर में गुस्साने लगते हैं कि एक दिन तो मिलता है सोने को, फिर जगाती है। तो वो सब थोड़े लेट से उठ के आते हैं संडे के दिन, छुट्टी के दिन। तो वही, उसके बालों में तेल लगाई हूँ, और वो आराम से मस्ती मारते हुए आराम से उठेंगे सब, क्यों सबको पता है कि आज मम्मी बोल नहीं सकती है, क्योंकि आज हम लोग लेट से उठ सकते हैं, एकदम मस्ती में ग्लास घूंट घूंट करके पानी पियेंगे, थोड़ा सा मोबाइल चलाएंगे, फिर जा करके कहीं वो नहाने धोने के लिए जाएंगे, ब्रश करने के लिए। तो इसलिए मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो एक दिन की छुट्टी है तो, लेकिन हाँ ज़्यादा दिन की छुट्टी होती तो मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, फिर मैं टाइम टू टाइम करवाती हूँ, मैं सुबह ही 8-9 बजे उठते हैं सब, 9-10 बजे तक, तो टाइम टू टाइम करवाती हूँ काम, क्योंकि फिर मुझे भी बहुत ही घबराहट होने लगता है कितना देर सोएंगे। और ये रात को देर तक जागना और सुबह में देर तक सोना, तो हर मम्मी को, मीन्स पापा लोग को जाने देंगे लेकिन मम्मी लोग को तो कुछ कुछ इरिटेशन होने लगता है अंदर से, कुछ कुछ नहीं, बच्चा बहुत देर से सोया है, तो इसलिए उठाएं और उसको कुछ ब्रश करके खिलाएं। खिलाना मेन मोटिव होता है, खिलाना। माँ को बहुत टेंशन होती है बच्चा नहाए देर से चलेगा, लेकिन खाना देर से नहीं खाना चाहिए उसको, कुछ ना कुछ तो खाते रहना चाहिए। मम्मी लोग को बड़ी खुशी मिलती है बच्चों लोग को खाना टाइम पे नाश्ता खिला के, तो बस मैं भी एक माँ हूँ तो मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये किचन में मैं थोड़ा सा जो अपना काम करते हुए जो इधर उधर थोड़ा सा काम मेरा आता है, और किचन मेरा बहुत ही छोटा है जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, वो तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइज की हूँ कि ठाक हो, थोड़ा सा सामान रह जाता है। और ये मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन है, तो इसके आगे का तो मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं शूट कर पाई, कोई आ गया था मेरे घर पे, तो
तो मैं शूट नहीं कर पाई, मैं थोड़ी बिजी हो गई थी, तो दोपहर तक का ही बस मैं रिकॉर्ड कर पाई। और ये नीचे आप देख रहे हैं ना टब में, तो इसमें मैं बर्तन रखती हूँ जूठे। तो मेरे घर में ना 3 मीन्स डॉगीज हैं, तो वो फिर जूठे बर्तन में भी मुँह डालते हैं, खुल जाते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। बाकी सब लोग का बाहर रहता है किचन के, मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं पसंद है कि मीन्स इतनी बीमारी वगैरह भी चल रही है, भले ही वो पालतू हैं लेकिन फिर भी, तो इसलिए मैं किचन में रखती हूँ। जब भी बाई आती है ना माँजने के लिए, तो फिर वो आती हैं तभी मैं निकालती हूँ बाहर, और फिर वो माँज के फिर ला के तुरंत दे देती हैं, तो मैं सारा बर्तन रख देती हूँ जहाँ का तहाँ ट्रॉलीज में, और इसलिए मैं दिन भर का बर्तन उसमें इकट्ठा करती हूँ मैं जब तक नहीं आती हैं दाई, तो इसलिए। तो बस अभी क्या किचन में यही सब छोटे मोटे मेरे काम चल रहे थे, तो मैं सोची ये बता दूँ, क्योंकि ये ना टब दिख रहा है तो आप लोग को भी जानना ज़रूरी है कि ये क्या है पीछे, तो इसलिए। और ये दाल मेरा फ्राई हो गया है और देखिए दाल का लुक कितना अच्छा है, बहुत टेस्टी बना था। और ये अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे वाशिंग मशीन रहता है, ये पहली बार मैं अपनी वीडियो में दिखाई हूँ, क्योंकि वीडियो में मैं कभी इधर का एरिया नहीं दिखाई। मेरी जिठानी का वाशिंग मशीन वो चलाने के लिए बोली थी, तो चला रही हूँ। और ये मेरा वाशिंग मशीन है, कपड़ा धुल गया था, तो एक बार और चला दी हूँ जब तक पानी टब में भरेगा, क्योंकि खंगालना है मुझे, घर में सेट कर रही थी ये, क्योंकि ना कोई था नहीं तो मैं सोची सूट कर लूँ। और ये मैं बाथरूम में मेरे जा रही हूँ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड नहाए हैं तो वो कपड़ा है धोने के लिए। अच्छा किसके किसके साथ ही ऐसा होता है कि वाशिंग मशीन लगाई हूँ तो ये भी गंदा दिख रहा है, वो भी कपड़ा गंदा दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, तो धोना तो रहता है 10 कपड़ा, लेकिन वो 20 कपड़ा मेरे से तो होता है कि मैं 20 कपड़ा धो ही देती हूँ, वाशिंग मशीन में डाल ही देती हूँ, सोचती हूँ चुटकी भी सर्फ नुकसान न जाए, भले कपड़ा कितना भी धुला जाए वो चलेगा, लेकिन ना सर्फ नुकसान नहीं जाना चाहिए, तो यही होता है। और ये मेरे ख्याल से हर हाउसवाइफ करती होगी ऐसा, तो कि मीन्स कोई चीज़ तो नुकसान नहीं जाने देती हैं कोई भी हाउसवाइफ, लेकिन ना ये बीमारी किसको किसको है कि वाशिंग मशीन लगते ही कपड़ों का भरमार लग जाता है। ऐसा तो दिखता नहीं है कपड़ा, लेकिन जो वाशिंग मशीन जब लग जाता है तो बहुत कपड़ा निकलता है। और ये हम लोग का मीन्स आता है इधर, क्या बोलते हैं उसको, अहाता, उसी के साइड में ये छत है, तो यहाँ पे से जैसे बाथरूम वगैरह हैं सबके, लैट्रिन और बाथरूम हम लोग के रूम से काफ़ी दूर दूर हैं, लैट्रिन बाथरूम, तो उधर ही वाशिंग मशीन भी रखा है, उधर ही कपड़ा भी फैलाते हैं हम लोग, जैसे इधर जिधर रहते हैं हम लोग उधर कोई कपड़ा धोने से और वाशिंग मशीन से ऐसा कोई टर्म्स नहीं है, या पानी गिरने के लिए कुछ नहीं है, उधर ही धुलाता है उधर ही सूखता है और फिर जाते हैं हम लोग लेके आते हैं। लेकिन और ये जो जाली आप लोग देख रहे हैं ना, ग्रिल लगा हुआ है लोहे की जाली, ये बंदरों की वजह से लगी है, गजब बंदर है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना एकदम घर के बगल ही में कोल्ड स्टोर है, तो वो कोल्ड स्टोर की वजह से वो जो पीला पीला आपको दिख रहा है उस साइड ना करकट के उस साइड, वो कोल्ड स्टोर है, तो कोल्ड स्टोर जहाँ होते हैं ना तो वहाँ पर बंदर बहुत होते हैं, क्योंकि आलू वगैरह सब सड़े सड़े निकलते हैं ना, आलू प्याज वगैरह, तो उनको खाने के लिए आसानी होता है, बहुत ज़्यादा बंदर हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए जाली लगी है, क्योंकि नई वाशिंग मशीन के डब्बे ही ढक्कन सारे तोड़ देते हैं आके, बहुत परेशान करते थे, तो ये जाली लगा है, अभी एक साल पहले ही लगा है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ लग के, तो इसलिए ये जाली लगा है। और अब तो जब से जाली लग गया तब से तो बहुत ही राहत है, क्योंकि नहीं आते हैं, और ये मेरा बेटा गया है अभी बाथरूम के साइड में, तो बस अब बस गले में खराश हो गया था थोड़ा सा। मेरे चैनल को प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करो, और ना थोड़ा कमेंट्स भी करो आप लोग, कैसा वीडियो आप देखना चाहते हैं वो सब कमेंट्स करें, तो मैं वैसा टाइप का बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वादा तो नहीं करती हूँ, वादा तो टूटते हैं, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और इसके आगे वाला वीडियो सारा बहुत ही अच्छा अच्छा आने वाला है, क्योंकि अब मैं ट्रिप पे जाने वाली हूँ तो आएगा ही, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।